तो आपने आराम से बैठे। अब मैं दावत देना चाहता हूँ पहले एजाज साहब को, वो इधर आइए। एजाज साहब को यार, फिर मैं बाद दावत देना चाहता हूँ उमर साहब को। और आज हम जो हमारी टीम है उसका नाम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमने मैजू नगर यूनाइटेड जो हमने स्टार्ट किया है, आज उसका जो हम आगाज़ करने वाले हैं वो आज ही होगा इंशाल्लाह। तो आज हम पहले हम अपने कैप्टन साहब के लिए यूनिफॉर्म दे रहे हैं जो है कि उबैद, तो प्लीज़ अगर आप आगे आए अपने नाज़रीन हम आपको बताते चलेंगे। बैनर आपको क्लास पे जो क्लास डॉक्टर कैप्टन बैंड शुरू हुए अभी रूप साहब को कैप्टन बैंड भी देंगे इस एतबार से कि जो हमारे के लिए ये नगर से बोला उसको बोलो पीछे से देंगे हिलाल हिलाल थोड़ी सी तफसील आप देंगे और की उसकी उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है तो इस एतबार से क्या उसका अफजाबात है और कैसे ये प्रॉब्लम जा रहे हैं। रूप साहब मैं जानना चाहता हूं क्योंकि हमने जितना भी देखा है कि अथवाज ग्रुप की तरफ से जितना भी ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस जाती है उसमें खासकर जो होता है कि आप रिहैबिलिटेशन करते हैं, लेकिन आज आपने ये एक डिफरेंट इनिशिएटिव उठाया है जहां पे आप जो यहां के नौजवान हैं उनको आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि माशरे में हमारे नौजवान ही किसी अलग रास्ते पे चले गए हैं जिनको वहाँ से वापस निकालना एक तो बेहद मुश्किल हो गया है, लेकिन उनके वालदैन भी उस हवाले से बड़े परेशान हैं। तो इस इनिशिएटिव के बारे में मुझे बताएं कि क्या है आज। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये बात है कि ये जो हम कह रहे हैं कि ये डिफरेंट इनिशिएटिव है, मगर हम अगर 1450 साल पहले पीछे जाते हैं कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस मामले में भी पेशो रफ्त रहने की हिदायत दी थी, किस तरह वो इन खेलों में भी आगे रहते थे, यही एक इनिशिएटिव हमारा वो भी ये मकसद है कि जो आज वबाई सूरत इस माशरे में फैली हुई है, ड्रग्स में जो बच्चे मुब्तला है उसकी वजह से ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये इसी वजह से है कि जो आने वाली नस्ल है ये बच जाए। बस यही एक एक इनिशिएटिव था कि ख़ास तौर से इस पे यही एक फोकस था कि ये बच्चे इन वबाई सूरतों से, वबाई जो माशरे में ये फैल चुका है ये दूर रहे, या आगे जाके ये वाली नस्ल पूरा रेवोल्यूशन ला सकते हैं, ये एसेट है हमारा। इनको यही बस एक मैसेज देनी है कि आप खेलो, कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह हमारा साथ हमेशा आपके साथ होगा। और एक आपके चैनल के साथ से जो हमारे दो कोच साहब हजरात हैं इनकी मदद से बहुत भरपूर मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने बहुत कलीदी रोल अदा किया इसमें। एक तो इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, कल इनका पहला मैच है इंशाल्लाह, उसकी वजह से आज हमने ये थोड़ी सी सरमनी रखी थी, इनको जर्सी हमने डिस्ट्रीब्यूट की। ये एक मकसद था कि महजूर यूनाइटेड का आगाज़ हो और इंशाल्लाह इंशाल्लाह फौक्तन जो भी आने वाले हम ये आपकी चैनल की वजह से जो आने वाले छोटे लड़के इधर भी मोहल्ले के भी है उनको भी मैं दावत दे रहा हूँ कि वो आए, वो एकेडमी सुबह में हम प्रैक्टिस करते हैं वो आए उधर, हम उनके लिए दूसरी एकेडमी खोल सकते हैं, हमारे कोच साहब ने उनके लिए भी ऑफर रखा है, वो आए, जितने भी कोई बच्चा हो छोटा हो वो आए हमसे। उसके लिए कोई चार्जेस वगैरह होंगे? नहीं, कोई चार्जेस नहीं है ये। और तो मैं आपकी चैनल की वजह से जो हमारे स्पॉन्सर्स है प्रॉपर्टी क्लिनिक साहब आदिल साहब है उनके, और डेंटल हेल्थ क्लिनिक के डॉक्टर उमर साहब, इन्होंने कलीदी रोल अदा किया वो स्पॉन्सर्स का, जो भी ये खर्चा हुआ वो उठा रही है, कोई बाकी टेंशन नहीं है इनको कि कोई चार्ज नहीं। रूप साहब मैं आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ कि आज हमने देखा कि तकरीबन 23 के करीब यहाँ पे प्लेयर्स हमने देखे, तो आपको क्या लगता है क्योंकि फुटबॉल में तो एक लिमिटेड टीम है जिस तरह से आपने इन 30 को रखा है, तो और क्या इनिशिएटिव्स हैं आपके खासकर इन नौजवानों के हवाले से
जिसको आप बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। माशाल्लाह ये जो असली डिजर्विंग 11 ही होता है, जो बाकी साथी वो थोड़ा सा ग्रूम कर ले इनको देख के, तो भी वो भी आगे बढ़ सके। बस यही मकसद है कि आगे जाके इनको, बस हमने इनको ये नहीं कहा कि जीत हार ये तो खेल का एक हिस्सा है। हमने उनको ये इस तरह नहीं बनाया, हमने इनको बताया कि हमें क्या करना है, हमें कौन सी मैसेज देनी है आपको। ये टीम जो बनी है ये इसलिए बनी है कि हम ये दिखा सकते हैं कि यूथ कौन सा रेवोल्यूशन ला सकता है। यूथ जो आज घर में बैठ के मोबाइल्स में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल गलत है, मगर जो आजकल के खराफात में पड़े हुए, पबजी गेम्स में पड़े हुए, बाकी जो उसमें पड़े हैं, उससे बेहतर है कि स्पोर्ट्स में अगर वो अपनी रुचि दिखाए, अल्लाह के फजल से, अल्लाह भी उसमें मेहरबान है जो वबाई, क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा है कि जो नशावर चीज़ है वो हराम है। आप अच्छी अच्छाई तरफ से दावत दीजिए, भलाई की तरफ दावत दीजिए, वो हमारे लिए बेहतर है। सर एक और सवाल जानना चाहेंगे, आगे जाके किस तरह के इकदाम जो हैं वो यूथ के लिए लिए जाएंगे आपकी जानिब से? माशाल्लाह आपकी चैनल की वसाइल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी स्पॉन्सर आएंगे वल्ला वसाइल अच्छे होंगे, हमारा काम भी अच्छा होगा। मैं ये कह रहा था कि अभी एक बंदा भी मुझे फ़ोन कर रहा था मार्शल आर्ट्स के बारे में कि हमारी टीम भी फैसिलिट कीजिए, मगर मैं आपकी चैनल की वसाइल से ये भी कह रहा हूँ जितने भी स्पॉन्सर आएंगे उतना हमारा काम ज़्यादा आगे होता जाएगा। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।